अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप? आज जो है ना, हम बना रहे हैं चिकन फजीता पिज़्ज़ा बना रहे हैं, और जो है उसकी डो रेडी करते हैं। सबसे पहले हम चलें जी, ये जो है ना, मैंने 300 ग्राम मैंने मैदा लिया है। हम जो है ना वो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं। 300 ग्राम मैदा लिया है। इसके लिए 1 टीस्पून जो है मैंने यीस्ट डाल दी है, इसमें 1 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है ऑयल आप डाल सकते हैं। और जो है 1/2 एग इसमें जाएगा। अब जो है इसे हमने जो है ना नीम गर्म पानी से अच्छी तरह जो है ना गूंद लेना है। ज़्यादा आपने जो है ना पतली भी नहीं बनानी है, और बहुत ज़्यादा जो है इसको आपने जो है ना मोटा भी नहीं रख देना है। सख्त नहीं होनी चाहिए डो इसकी। चलें जी, डो जो है इसमें हमारा रेडी हो गया है। अब जो है इसे मैं तकरीबन जो है ना 2 से 3 आवर्स के लिए जो है ना इसे मैं रख रही हूँ, ताकि ये राइज हो जाए। जब तक ये राइज होगा तो फिर हम देखते हैं आगे पीछे की रेसिपी। जी अब जो है ना हम अपने पिज्जा का जो है वो चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून इसमें मैंने। हाफ टी स्पून प्याज पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। इसमें जो है ना प्याज पाउडर पाउडर ही ऐड होंगे ज्यादातर। और इसमें 1/2 टीस्पून जो है ना इसमें हमने लहसुन पाउडर ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अदरक पाउडर ऐड कर दिया है। और जो है इसमें पिंक जो है वो ओरिगैनो ऐड किया है मैंने। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करूंगी मैं, इससे जो है ना इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। नमक आपने हंस पे ज़रूरत ऐड करना है इसमें। अब जो है इसे हमने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, और फिर हम इसे बनाएंगे। चलो जो है अब हम इसे फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पे आपने इसे हल्का हल्का सा फ्राई करना है। फजीता पिज्ज़ा में जो है ना चिकन बाकी चीज़ों से जो है ना थोड़ा इसमें छोटा कट के जाएगा। चिकन जो है इसमें इतना बड़ा बड़ा चिकन नहीं ऐड किया जाता। चिकन जो है वो इतना ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। बहुत मज़े की यमी सी खुशबू आ रही है। अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगा, ऐसे करना इसे ज़रूरी होता है। इस तरह से अच्छी तरह से जो है ना आपने इसको कर देना।
अब जो है इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी मैं। मैंने इसे पहले से फ्रिज में बना के रखा हुआ है, और पहले पिज़्ज़ा में मैंने आपको इसको बनाने का मेथड बता दिया था। चलें जी, इस तरह से चीज़ मैंने इस पे डाल दी है। अब वेजिटेबल्स डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ। चिकन डालूंगी मैं अब इसमें। इसमें चिकन जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। एंड अगेन अब इस पे जो है हम दोबारा से चीज़ डालेंगे। चलिए जी, अब मैं इस पर दोबारा से चीज़ ऐड करूँगी। इस पे अब ये ऑलिव्स लगा देने हैं आपने। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था। अब जो है इसको 250 पे जो है ना, हमने 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। ये चला गया इसमें, और अब जो है हम इसे 25 मिनट्स के लिए बाद देखेंगे। चलिए, ये देखें जी, चिकन फजीता पिज़्ज़ा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।